नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंप कर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मिथिलेश पांडे ने कहा कि कंगना रणावत के मकान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा ध्वस्त किए जाने का हम लोग विरोध करती हूं और कंगना का मकान सरकार के खर्च पर बनाए जाने और उनकी सरकारी खर्च पर कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग ज्ञापन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से की गई। इस मौके पर मिशन मोदी के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, नीलम प्रजापति, आशा देवी और पुष्पा देवी, किरण यादव, शशिलता, रेणु प्रेम, बाला श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। मैं जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मिथिलेश पांडे बोल रही हूँ। किस मामले में आज आपको हम कंगना रनौत के समर्थन में हैं। सच्चाई को हर जगह कुचलने की कोशिश की जा रही है, उद्धव सरकार में खास तौर पे। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध हमने ये कंगना रनौत के समर्थन में पत्रक दिया है। हमारी राज्यपाल आनंदीबेन हैं, हम उनको ज्ञापन दे करके उनके माध्यम से ये बात महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम कंगना रनौत के साथ में हैं। पूरी हमारी महिला टीम कंगना रनौत के साथ में है और मिशन मोदी से हम लोग हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम हमारे साथ में है। क्या आप लोगों ने ज्ञापन में मुख्य मांग रखा? मोदी सरकार जिंदाबाद, कंगना के सम्मान में, मोदी जी सम्मान में, कंगना के सम्मान।